माई डियर यंग व्यूअर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनवीज हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th और 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इम्पोर्टेंट तो ये टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि आगे भी जो है वो इस तरह की क्रिएशन के लिए जो है हमें ये पोस्टर्स हम आज करने जा रहे हैं। और जो पोस्टर्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आपको कोई बहुत ही ब्रीफ में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मिलती है ना, तो वो पोस्टर के जरिए मिलती है। कैसे मिलती है? पोस्टर के अंदर जो है वो एक पोस्टर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टर? पोस्टर इज अ पीस ऑफ प्रिंटेड पेपर। एक प्रिंटेड पेपर होता है ये, और आई कैचिंग होता है, बड़ा अट्रैक्टिव होता है, बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है। और इसका जो एलिमेंट्स होता है वो टेक्सुअल भी होते हैं और ग्राफिक एलिमेंट्स भी होते हैं। तो टेक्सुअल का मीनिंग जिसमें वर्ड्स लिखे होते हैं, ग्राफिक क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिक? ग्राफिक का मीनिंग होता है थ्रू द ग्राफ, थ्रू द पिक्चर्स, ओके। और ये पिक्चर्स ग्राफ भी हो सकती हैं, बार ग्राफ है, ओल गाइव है, या कोई भी हिस्टोग्राम है, किसी के जरिए भी हो सकती है, या क्लिप आर्ट के जरिए हो सकती है, हल्की फुल्की ड्राइंग के जरिए हो सकती है। जैसे अब बच्चे जो है बहुत ज्यादा बड़े हैबिचुअल होते हैं, छोटी छोटी सी कार्टून बनाते रहते हैं कॉपियों में बैठे बैठे। दीज ऑल आर क्लिप आर्ट्स, यू नो, ये सब के सब ना क्लिप आर्ट्स होती हैं, जो कि बच्चे कभी कॉपी के साइड में जो है वो बातें कर रहे हैं, या फिर दिमाग बड़ा जो है डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या करते हैं, साइड में कॉपी के छोटे छोटे से पिक्चर्स या ड्रॉइंग्स बनाते, दैट इज क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट के जरिए हम क्या करते हैं, उस चीज को पूरा डिपिक्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, जिससे कि हमें एक इंफॉर्मेशन, बड़ी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, ओके। तो ये जो पोस्टर है, इट इज अ कॉमन टूल फॉर एडवर्टाइजर्स। ये एडवर्टाइजर्स जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई हमें एडवर्टाइजर कौन होते हैं, जो कि विज्ञापन इत्यादि देते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि जनरल अवेयरनेस के लिए हो। जनरल अवेयरनेस क्या होती है, हमें जागरूकता मिले, हमें पता चले एकदम से कि अच्छा इसमें ये बात है। वो ये है कि लोगों के पास में सिर्फ इंफॉर्मेशन जस्ट पहुंच जाती है, जिससे कि बहुत बड़ा जो है वो फायदा होता है। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं से नो टू ड्रग्स, तो हम कुछ टैबलेट्स बना देते हैं, इंजेक्शन बना देते हैं और उसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं, या हम उसके नीचे क्या लगा देते हैं, डेंजर का साइन जो है वो डाल देते हैं हम उसके नीचे। तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है दैट इट इज वेरी मच डेंजरस एंड इट इज लाइफ टेकिंग। ये कैसी चीज है, हमारी लाइफ को लेने वाली है, डिस्ट्रॉय, रुइन करने वाली है हमारी लाइफ को। तो ये जो होते हैं, एक पोस्टर जो है ये कॉमन टूल है फॉर एडवर्टाइजर्स, विज्ञापन करने वालों के लिए बहुत ही एक सामान्य सा यंत्र है, और इससे कम्युनिकेट करते हैं, एडुकेट करते हैं लोगों को, लोगों को शिक्षा मिलती है ना। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा कोई अनपढ़ भी है, तो अगर मान लीजिए जो है, अगर हम ये कहते हैं डिफॉरेस्टेशन का हम एक पोस्टर बनाते हैं और उसके अंदर एक वृक्ष को बना करके उस पर हम क्रॉस डाल देते हैं और एक कुल्हाड़ी साइड में बनाते हैं, तो भाई कुल्हाड़ी तो चाहे कैसा भी कोई पढ़ा लिखा हो, एडुकेटेड है, अनएडुकेटेड है, लिटरेट है, इलिटरेट है, तो सभी को पता होता है कुल्हाड़ी, और साथ में अगर वृक्ष बना है, कुल्हाड़ी बनी है, तो से नो टू कुल्हाड़ी, है ना। तो ये अच्छे खासे को पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है, ये एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि पेड़ों को मत काटिए, है ना। तो ये तो इंफॉर्मेशन, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, उसको ये जो है वो सीधी की सीधी स्ट्राइक करती है हमारे माइंड पर, ओके। तो ये होती है इंफॉर्मेशन, दैट दीज आर पोस्टर्स, ये होते हैं पोस्टर्स। तो जब भी हम पोस्टर को, मैं आपको बता देती हूं कि पोस्टर क्या होता है, इट इज अ प्रिंटेड पेपर, ओके। ये एक प्रिंटेड पेपर होता है, और इस प्रिंटेड पेपर से ये जो पोस्टर होते हैं, ये होता है, इट इज अ कॉमन टूल फॉर एडवर्टाइजर्स। अभी तक जो भी आपको बताया है वही इसके ऊपर दोबारा लिख रही हूं, दैट इट इज द कॉमन टूल फॉर एडवर्टाइजर्स। और एडवर्टाइजर्स इसके जरिए क्या करते हैं, दो बातें सॉल्व करते हैं, टू एडुकेट द जनरल पब्लिक, टू एडुकेट द जनरल पब्लिक,
लोगों को, जनरल जो पब्लिक है उसको एडुकेट करते हैं, शिक्षित करते हैं, एक इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, और उसके अलावा टू अवेयर और टू क्रिएट अवेयरनेस. ओके, टू क्रिएट अवेयरनेस, एक तरह की अवेयरनेस. अवेयरनेस क्या होती है? जागरूकता. भाई हम दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी आई ओपनर. ये इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? आई ओपनर, आंखें खोलने वाली होनी चाहिए. ओके, तो जब हम किसी पोस्टर को बनाते हैं तो उसके लिए बेटा ऐसे ठीक है कि हैपजार्डली हम किसी भी चीज को नहीं बनाते. मान लीजिए हमारे पास एक इतना ही बड़ा बॉक्स है, उसमें अगर हमें सामान डालना है तो भाई हम उतना ही सामान डालेंगे ना जितना बॉक्स है जिसके अंदर वो ऑक्यूपाई कर ले. बिल्कुल ठीक ऐसे ही ये बॉक्स में आता है, लेकिन जो है इसके अंदर हम उतनी ही इंफॉर्मेशन देंगे जो कि क्लियर रहे, कैची रहे, आई कैचिंग रहे, इंफॉर्मेटिव रहे, और हमें पूरी इंफॉर्मेशन जो है हमारे अंदर तक जो है हमें डिजेस्ट हो जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो जब भी हम इसको प्लान करते हैं तो इसको ड्राफ्ट करने का एक तरीका होता है. कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं, बहुत जनरल से पॉइंट्स हैं. आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज जनरल पॉइंट्स, आफ्टर दैट आई टेल यू हाउ टू क्रिएट अ पोस्टर. ओके, नाउ आई एम रबिंग दीज थिंग्स एंड राइटिंग पोस्टर. मैं छोटे छोटे से पोस्टर यहाँ पे लिख दूंगी. ठीक है, तो यहां पर प्लान टू ड्राफ्ट द पोस्टर, प्लान टू ड्राफ्ट द पोस्टर की कौन सी प्लानिंग होती है? भाई हम पोस्टर को जो है वो ड्राफ्ट करते हैं, अलग अलग टाइप की प्लानिंग होती है. सबसे पहले जो होता है प्लान, यहां पर नंबर वन इट इज प्लान, कि हमारी प्लानिंग क्या है, कि आपको पोस्टर में व्हाट योर पोस्टर लुक लाइक. प्लानिंग का मीनिंग होता है व्हाट योर पोस्टर लुक लाइक, कि भाई आपका पोस्टर जो है कैसा दिखना चाहिए. आपका पोस्टर ऐसा दिखना चाहिए जो कि अट्रैक्टिव हो, आई कैची हो, है ना. तो मतलब दूर से ही देखते पता चल जाए भाई ये क्या चीज है, हमें पास में जाके पढ़ने की जरूरत पड़े. जब ऐसी क्यूरियोसिटी जो होती है ना, दैट इज अ प्लानिंग, कि भाई हमें क्या प्लान करना चाहिए. लेआउट जो होता है ना, नंबर टू बेटा, लेआउट का मीनिंग होता है, लेआउट जो है ना बहुत तरीके के होते हैं. कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हमने एक हम ये पोस्टर बना रहे हैं, ठीक है, कई बार हम टाइटल यहां लिख देते हैं, कई बार हम टाइटल यहां लिख देते हैं, हम कई बार जो होता है पिक्चर जो होता है यहाँ बीच में बना देते हैं, कई बार पिक्चर यहाँ बना देते हैं. तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेआउट्स, है ना. लेआउट का मतलब होता है जो हम तरीका बना रहे हैं कि हम टाइटल कहाँ लिखेंगे, इसमें जो आने वाले इंपॉर्टेंट मैसेजेस है वो कहाँ लिखेंगे, है ना, और इसमें पिक्चर कहाँ बनाएंगे, और इसके अंदर जो है मेन टाइटल कहाँ लिखेंगे, है ना. तो इस टाइप की जो होते हैं वो लेआउट्स होते हैं. ओके, तो बहुत तरीके के लेआउट्स हैं. मैं इसके साथ में एक वीडियो अटैच कर दूंगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट जो है वो आपको समझ में आ जाएंगे कि डिफरेंट टाइप के लेआउट्स कैसे होते हैं. वैसे अगर आप खुद भी, क्योंकि जब आप इसको पोस्टर की प्लानिंग करते हैं तो यू शुड रियलाइज कि कहां मुझे पिक्चर रखनी है, कहां मुझे टाइटल रखना है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ यस आई एम रबिंग दिस लेआउट. नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंटेंट. नंबर थ्री इज कंटेंट. कंटेंट का मीनिंग आपको अच्छी तरह पता है, जो कंटेंट होता है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है फॉर 11th एंड 12th क्लास, ये 11th और 12th क्लास के लिए टॉपिक है. पोस्टर जो है वो 3 मार्क्स का आता है, माइंड इट, यहां पर बैठा लीजिए. पोस्टर सिर्फ 3 मार्क्स का आता है, ये देखिए आप 3 मार्क्स, और ये जो मार्क्स होते हैं ना वो डिवाइड होते हैं, एक एक नंबर डिवाइड होता है, 1-1 मार्क ना डिवाइड होता है. अच्छा, 1-1 मार्क किस किस में डिवाइड होता है? 1 मार्क नंबर पहले, सबसे पहले फॉर्मेट, ठीक है, नंबर 1 जो है फॉर्मेट होता है, नंबर 2 कंटेंट एंड एक्सप्रेशन, नंबर नेक्स्ट होता है कंटेंट एंड होता है एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है. तो इसमें देखिए कंटेंट भी एक नंबर का है, फॉर्मेट के अंदर यही आता है, लेआउट आता है और प्लान आता है इसके अंदर, और एक्सप्रेशन के अंदर होता है कि आप अपनी बात को जो भी कह रहे हैं वो ढंग से एक्सप्रेस दूसरे लोगों को हो रही है कि नहीं हो रही है, दूसरे लोगों को वो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही. एक बार में ही पोस्टर देखने पर कितनी बातें जो है हमारे जहन में उतरती हैं, कितनी बातें हमारे मन में उतरती हैं, ये
जो बात है दैट इज एक्सप्रेशन। तो 3 मार्क्स के अंदर ना आपको मेहनत मशक्कत बड़ी करनी है और उसमें बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं आपको 2-3 जो है वो इसके अंदर डाल दूंगी, डाउनलोड करके डाल दूंगी। आप भी पोस्टर बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो समझना ये है, थोड़ा सा 1-2 पोस्टर आप देख लेंगे तो यू पीपल कैन क्रिएट योर सेल्फ, आप क्रिएट कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, हर बच्चे में क्रिएटिविटी होती है। ओके, तो ये है आपके एग्जामिनेशन का जो मार्क्स की डिवीजन है, सिर्फ ओनली 3 मार्क्स का पोस्टर आता है और 3 मार्क्स ऐसे ऐसे डिवाइड होते हैं, 1 फॉर्मेट, 1 मार्क कंटेंट, 1 मार्क एक्सप्रेशन। ओके, नाउ ये बीच में थोड़ी सी बात रह गई थी तो मैंने आपको बीच में ये बता दी है। नाउ कंटेंट में होता है मैसेज। कंटेंट का मतलब होता है कि आप जो है इसके अंदर जो मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज सबको क्लियर है कि नहीं है। वो मैसेज जो है वाइटल होना चाहिए, जल्दी से गले से नीचे उतर जाना चाहिए, ऐसा मैसेज होना चाहिए। ओके, ना उसके बाद में ना ये देखिए, नंबर 4 इज क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट बहुत जरूरी है। देखिए क्लिप आर्ट क्या होती है, मैं आपको अभी थोड़ी सी जो है वो अभी क्लिप आर्ट आपको समझाऊंगी कि कैसे कैसे आप बना सकते हैं। सिंपल रिलेवेंट ड्रॉइंग, सिंपल एंड रिलेवेंट ड्रॉइंग, है ना, ये एक सिंपल और रिलेवेंट एक ऐसी ड्राइंग होती है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, आई कैची होती है। और देखिए अगर मैं ये कहूं कि ये देखिए यहां पर मैं ये बना दूं तो ये जो है वाटर की, पानी की ड्रॉप है ना, पानी की ड्रॉप का इसी टाइप का होता है ना, ये देखिए ऐसे करके ऐसे भी पानी की ड्रॉप होती है। तो ये जो होती है ये सिंपल एक क्लिप आर्ट है। ओके, अगर मान लीजिए मैं एक छोटी सी क्लिप आर्ट और यहां पर बनाती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां बनाती हूँ ये एक वृक्ष हम बना देते हैं बिल्कुल सिंपल सा, ये लीजिए, ठीक है। और यहां पर जो है वो मैं एक कुल्हाड़ी भी बना देती हूँ, ठीक है, ये देखिए कुल्हाड़ी, भाई बहुत अच्छी ड्रॉइंग नहीं है मेरी लेकिन यहाँ कुल्हाड़ी बना देते हैं और हम इसको कहते हैं ये देखिए। अब बस इतना तो बात समझ में आ रहा है कि कुल्हाड़ी से पेड़ को नहीं काटना है ना, दिस इज क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट होती है बहुत ही सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट सिग्निफिकेंट ड्रॉइंग्स होती है, है ना। तो ये हर एक बच्चा बना सकता है और बच्चे बड़े एक्सपर्ट होते हैं इन इन चीजों को बनाने के लिए। तो अभी और भी थोड़ी सी अभी क्लिप आर्ट्स आपके समय में बनाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएंगी कि ये क्या होती है। क्लिप आर्ट्स को अच्छी तरह बच्चों को समझ में आती है जो 11th 12th, क्या छोटे बच्चों को भी पता होती है कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्लिप आर्ट। ओके, नाउ हम नेक्स्ट आ जाते हैं एनक्लोज। एनक्लोज क्या होता है, एनक्लोज का मीनिंग होता है बॉक्स। हमें इसको बॉक्स के अंदर रखना होता है। ऐसा नहीं है जहां मर्जी आपने चित्र बना दिए, जहां मर्जी आपने इंफॉर्मेशन लिख दी, जहां मर्जी क्लिप आर्ट बना दिया, नो इट शुड नॉट हैपन। आपको यू शुड हैव अ बॉक्स, एक बॉक्स होना मांगता है और एक बॉक्स के अंदर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। तो ये बात क्या हो गई, गागर में सागर भरने की बात हो गई ना। गागर में सागर का मतलब क्या होता है, गागर होता है छोटा सा घड़ा और उसमें पानी होता है। पानी क्या होता है, दैट इट इज लाइफ गिवर एलिमेंट, पानी जीवन देने वाला होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पानी प्रीशियस होता है। तो बिल्कुल ठीक वैसे ही आपने एक छोटा सा जो है वो क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स के अंदर ही आपको सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट में आता है नंबर 6 अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन होती है भाई, अथॉरिटी होता है प्रशासन। मान लीजिए दिल्ली पुलिस ने जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐलान जारी किया है कि भाई हेलमेट पहने हुए निकलो, एक पोस्टर बनाना है इसका, हेलमेट पहने हुए निकलो। भाई क्यों हेलमेट पहने हुए निकलो, क्योंकि ये सेफ्टी है, है ना, ये एक रोड सेफ्टी है। अभी इसका पोस्टर बना के दिखाऊंगी मैं आपको, जो है वो हेलमेट पहनने का, वेयर हेलमेट का एक पोस्टर बना के आपको दिखाऊंगी मैं, ठीक है। तो यहां पर जो है अथॉरिटी कौन हुई कि इश्यूड इन, ये इसको इश्यू किया गया है, इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। इसमें ना आपको ये लिखना होता है इश्यूड, सारा कैपिटल में IEEE, इश्यूड बाय, इश्यूड इन जनरल, जस्ट अ मिनट, इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, जस्ट अ मिनट बेटा, इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट
ओके तो यहां पर दिल्ली किसने इशू किया है, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ओके तो यहां पर दिल्ली पब्लिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको जो है वो इशूड किया है। तो जो है लोगों के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है इंटरेस्ट का मतलब रुचि नहीं है, इंटरेस्ट का मीनिंग कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने इस चीज को जो है। तो ये अथॉरिटी यहां पर अगर मान लीजिए चोरी चकारी के लिए कोई पोस्टर बनाया गया है कि बहुत लोग सावधान हो जाए तो यहां पर आ जाएगा दिल्ली पुलिस, ठीक है। और इसी तरह से जो अथॉरिटी इसको जो है वो मतलब करती है तो वो ही जो है, अगर मान लीजिए से नो टू ड्रग्स है तो मेडिकल एसोसिएशन जो है वो आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको इशू कौन कर रहा है, ठीक है। ओके नाउ ये जितने भी पॉइंट्स है बड़े रेलिवेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान होना चाहिए आपको बनाना क्या है। नंबर टू लेआउट के अंदर मैंने बताया कि आप कहीं पर भी टाइटल रख सकते हैं, कुछ भी कहीं भी क्लिप आर्ट्स बना सकते हैं, पर अच्छा लगना चाहिए, कैची होना चाहिए। नंबर थ्री कंटेंट में आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। क्लिप आर्ट्स आपको पता है सिंपल एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्लिप आर्ट्स होती है, सिंपल ड्राइंग्स होती है। एनक्लोजर में बॉक्स बहुत कंपलसरी है और ये जो है अथॉरिटी कि कौन जो है प्रशासन इसको इश्यू कर रहा है लोगों के लिए, ओके तो ये हो जाएंगे आपके। नाउ अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं कि जो भी आप मैसेज इसमें लिख रहे हैं, ओके जो भी आप इसके अंदर मैसेज लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूं कि क्या मैसेज लिख रहे हैं। जब भी जो आप भी लेआउट जो बना रहे हैं ना, लेआउट के ना कुछ इंपॉर्टेंट अंदर पॉइंट्स होते हैं, तो ये यहां पर देखिए इस ये जो भी लेआउट आप बनाएंगे ना उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? लेआउट आपका बहुत कैची होना चाहिए। कैची मतलब क्या होता है? आई कैचिंग। जैसे ही हम देखें कि कैसा ये बना हुआ है, थोड़ा कलरफुल होना चाहिए, तो हमें फौरन पास जाके देख रहे हैं भाई ये क्या चीज है ना, ये होता है कैची। नंबर टू है शॉर्ट वर्ड्स, जो इसके अंदर आप जो भी लिख रहे हैं, लाइनें जो भी लिख रहे हैं वो बहुत छोटी होनी चाहिए, लंबी चौड़ी लाइनों का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंपल ड्राइंग, इसके अंदर जो ड्राइंग होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा सिंपल ड्राइंग होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट आ जाता है लेटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लेटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो भी आप लेटर यूज कर रहे हैं ना, मान लीजिए आपने लेटर ये यूज किया है, ए यूज किया है ऐसे, तो भाई आप ऐसे भी ए यूज कर सकते हैं, आप ए जो है वो ऐसा वाला भी यूज कर सकते हैं, है ना तो ये डिफरेंट टाइप के जो लेटर्स हैं इनकी जो आप कहते हैं फॉन्ट जो होता है, जो फॉन्ट होता है वो आपको अलग अलग टाइप का फॉन्ट बनाना आना चाहिए। अलग अलग टाइप के जब आप फॉन्ट बनाएंगे ना तो आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि ये जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, कि ये अगर बहुत डार्क कलर से कोई चीज आपने फॉन्ट बनाया तो जल्दी लोग ना अट्रैक्ट होंगे, ये डार्क कलर से क्या लिखा है वो दूर से दिख जाएगा। तो जो बाकी के पतले वर्ड्स लिखे हुए हैं वो थोड़ा पास जाकर के दिख जाएंगे, भाई मोटे लेटर से लोगों को अट्रैक्ट तो आप कर सकेंगे ना, दिस इज व्हाट। तो स्पेसिंग जो है, और लास्ट वो हमारा पॉइंट है स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग का मतलब है कि जो भी कुछ हम बना रहे हैं, जो भी हम छोटी लाइनें लिख रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, या फिर हम उसके अंदर लेटर्स लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उनके बीच का जो स्पेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, दिस इज व्हाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा लेआउट कैसा होना चाहिए, ओके तो जैसे उसके बाद में ना मैं आपको ये बता दूं कि जो टैग लाइंस होती हैं, टैग लाइंस क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं टैग लाइन आपको मैं अभी जो है वो बताती हूं यहां पर टैग लाइन क्या होती है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक पोस्टर हम बनाते हैं, ओके हम एक पोस्टर बनाते हैं और ये पोस्टर है रोड सेफ्टी का, ये इसको भी हटा देते हैं हम, ओके ना पोस्टर रोड सेफ्टी पोस्टर बना रही हूं मैं एक, ये ठीक है। तो ये पोस्टर है मेरा रोड सेफ्टी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लूंगी एक बॉक्स, है ना, मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, जस्ट अ मिनट बेटा, थोड़ा अनटाइडी ना दिखे,
तो मैंने एक बॉक्स ड्रॉ यहाँ पे कर लिया, ठीक है, मैंने एक यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लिया। भाई थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आएगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर रोड सेफ्टी में वियर हेलमेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। रैश ड्राइविंग भी हो सकता है रोड सेफ्टी के अंदर, लेकिन मैं ले रही हूं वेयर हेलमेट। तो यहां सबसे पहले मैं ये दूंगी, देखिए, डब्ल्यू ई ए आर, वियर हेलमेट। ओके ओके, वियर हेलमेट। तो यहां पर जस्ट अ मिनट, यस नाउ, तो मैं यहां पर लूंगी जो है वियर हेलमेट। इसके बाद मैं तीन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल देती हूं, ओके, थोड़ा सा कैची लगेगा। और उसके बाद में इट कैन सेव योर लाइफ, इट कैन सेव योर लाइफ। ओके, तो ये जो लाइन है ना बेटा, दिस इज टैग लाइन, है ना। तो अभी मैं टैग लाइन भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, बहुत सारी टैग लाइन्स होती हैं, मैं अपने वीडियो के साथ में अटैच कर लूंगी बहुत सारी टैग लाइन्स अलग अलग टॉपिक्स की, तो आप उसे थोड़ा लर्न कर लेना, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर डू नॉट, सबसे पहले पॉइंट क्या है, डू नॉट ओवर स्पीड। ओके ओके, डू नॉट ओवर स्पीड, फॉलो ट्रैफिक, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है ठीक है। अब आप देख सकते हैं, देखिए फॉन्ट मैंने कैसा लिया, यहां कैपिटल, ये भी कैपिटल, यहां स्मॉल में ले लिया। बस ये चीज, ट्रैफिक रूल्स बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, तो इसको मैंने कैपिटल में ले लिया, इसको आई कैची बना दिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब बॉक्स के अंदर मैं लेती हूं, यहां पे ये एक बॉक्स, अगेन ये एक बॉक्स, फिर मैं एक और बॉक्स ले लेती हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर बॉक्स ले लिया, रोड सेफ्टी, देखिए आर ओ ए डी, रोड सेफ्टी, है ना। तो यहां पर एक बॉक्स में ले लिया मैंने रोड सेफ्टी, नो इट, ओके, रोड सेफ्टी, इसे जानिए, फॉलो इट, है ना, फॉलो इट, ठीक है। तो यहां पर ये सब टैग लाइन्स हैं, ये भी टैग लाइन है, ये भी छोटी छोटी सी टैग लाइन्स हैं, रोड सेफ्टी के लिए, इसे जानिए, इसे फॉलो कीजिए, ओके। तो ये इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, ओके। तो ये कौन इश्यू कर रहा है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ओके। तो ये है, अगर आप चाहें तो यहां पर कुछ देखिए, इसको आपने ब्लैक से कर लिया, इस वाली टैग लाइन को आप रेड से कर सकते हैं, इसको आप ग्रीन से कर सकते हैं, ब्लू से कर सकते हैं, और इन्हें आप किसी और कलर से कर सकते हैं, ये थोड़ा डार्क डार्क आपको करना है, तो दिस इज व्हाट। अब यहां पर एक छोटी सी एक चीज बना देती हूं मैं, यहां पर ये बना देती हूं, देखिए यहां ये मैंने एक लाइन डाली है, तो ये मैं बना देती हूं यहां पर तीन, ये देखिए क्या चीज है, आपको अच्छे से पता चल जाएगी ये क्या चीज है, क्या पता चले आपको, अच्छे से बताइए क्या चीज है, ये तीन लाइट्स हैं, है ना। तो ये जो है वो ट्रैफिक लाइट्स हैं, तो इनको ट्रैफिक लाइट का सिंबल हम यहां पर बना देंगे, ओके। आप यहां पर छोटा सा हेलमेट भी बना सकते हैं, दैट इज क्लिप पार्ट, भाई मुझे इतने बनाना नहीं आता, तो यू पीपल कैन ड्रॉ हेलमेट हियर, आप हेलमेट बना सकते हैं, और थोड़ा कैची हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये दिस इज व्हाट मैंने बनाया है आपको पोस्टर रोड सेफ्टी का, रोड सेफ्टी के लिए आप रैश ड्राइविंग भी बना सकते हैं, वेयर हेलमेट भी बना सकते हैं, है ना, फॉलो ट्रैफिक रूल्स भी बना सकते हैं, आप इसमें बहुत सारे निकल सकते हैं रोड सेफ्टी के, एक ही नहीं है ये। तो इस टाइप से नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द टैग लाइन्स। टैग लाइन्स क्या होती है बेटा, टैग लाइन्स जो होती है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइंस होती हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए पॉल्यूशन के ऊपर हमें बनाना है, तो पॉल्यूशन की टैगलाइन क्या बनेगी, बी फेयर डू नॉट पॉल्यूट द एयर,
बी फेयर डू नॉट पॉल्यूट द एयर। देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से यहाँ पर पीछे पीछे जो है रिदम आई है, आपको अच्छी तरह से पता है कि राइमिंग अगर होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो सेव वॉटर के अंदर भी आता है एवरी ड्रॉप ऑफ वॉटर इज प्रीशियस, है ना। तो अगर से नो टू टोबैको अगर आपको बनाना है तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टैगलाइन है कि टोबैको इज पॉइजन, टोबैको किल्स, है ना। और इसी तरह से अगर आपको सेव ओजोन बनाना है, ओजोन लेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है ओजोन लेयर के बारे में, वो मैं कह सकती हूं नो ओजोन नो लाइफ। तो मैं इसे यहां से रब कर रही हूं, मैं कुछ टैगलाइन जो है वो आपको समझाती हूं कि आपने टैगलाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने मान लीजिए जैसे कि कोई टैगलाइन आपको लेनी है, तो यहां पर अगर आपको लेनी है सेव गर्ल चाइल्ड, ये पोस्टर बनाना है आपको सेव गर्ल चाइल्ड, तो इसका क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गर्ल इज द एसेट ऑफ द फैमिली, ऑफ द फैमिली, है ना। आप इतना भी बना सकते हैं गर्ल द एसेट, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी बना सकते हैं आप, पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, यहां पर अगर मैं कहूं कि सेव ओजोन, सेव, दीज ऑल आर टैग लाइन्स, ये है टैग लाइन्स, ठीक है बेटा, टैग लाइन्स है ये, सेव ओजोन, OZONE, ओजोन, ओके। तो सेव ओजोन के लिए हम बनाएंगे नो ओजोन नो लाइफ, नो ओजोन इक्वल टू No life, okay, okay. तो these all are taglines आपने, जैसे कि मैंने कहा था कि pollution के ऊपर, pollution be fair, यहां पे pollution के लिए हमने लेना होता है be fair, do not pollute the air, do not pollute the एयर। अपने इसी वीडियो के साथ में मैं कुछ टैगलाइंस जो है वो ऐड कर दूंगी और उसके साथ साथ टॉपिक भी लिख दूंगी, ताकि आप जो है वो अगर आप 8-10-15 भी टैगलाइंस को आप लर्न कर लेंगे ना, तो बाकी की आप खुद बना लेंगे, इसमें ना कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये है हमारा पोस्टर जो कि एक प्रिंटेड पेपर के ऊपर लिखी एक छोटी सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि जो ऐसा लगता है जैसे एक स्मॉल से पैकेट के अंदर ना एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज इंफॉर्मेशन है ना, बम ब्लास्ट है, छोटे से पैकेट के अंदर एक ब्लास्ट है, बम ब्लास्ट है। तो दिस इज कॉल्ड पोस्टर, ओके। तो मैं इसके साथ में जो है वो एक वीडियो आप देखेंगे, इसके साथ में जो है वो टैगलाइन लगी हुई है, आप उन्हें पढ़िए और पोस्टर जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यस बेटा, अभी आपको पोस्टर के बारे में अच्छे से समझाया, एक पोस्टर बना के भी दिखाया और बताया भी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैग लाइन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये छोटी छोटी सी जो है, आप ये कह सकते हैं कि ये छोटी छोटी से सिंपल वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे पोस्टर के अंदर यूज होते हैं, जिससे कि हमारा पोस्टर अट्रैक्टिव और कैची बनता है। तो यहाँ पर से नो टू फास्ट फूड, योर फास्ट फूड कुड बी योर लास्ट फूड, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सेव गर्ल चाइल्ड, अ गर्ल चाइल्ड ब्रिंग्स जॉय, शी इज नो लेस देन अ बॉय। नाउ नेक्स्ट इज हार्ड वर्क, नो पेन नो गेन। एफॉरेस्टेशन, लेंड अ हैंड टू सेव ट्रीज। हेल्दी एंड गुड लाइफ स्टाइल, ईट लाइट लिव राइट। नेक्स्ट इज वीमेन सेफ्टी, वीमेन हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। ओके माई डियर यंग व्यूअर्स, यस मेरे स्कॉलर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज माई न्यू चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर तो आपने दबा ही दिया होगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कमेंट कीजिए और मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जल्दी ही डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।